मेरी वर्दी पे मेडल बहुत लगे। दाग सिर्फ एक। डेविल, पता नहीं कौन है। तो दोस्तों, किक फिल्म जो कि सलमान भाई की एक ऐसी हिट फिल्म है जिसे अगर आज भी देखा जाए तो भी इंसान कभी बोर नहीं हो सकता। और अब इस जबरदस्त फिल्म के दूसरे पार्ट की अनाउंसमेंट कर दी गई है। इसे जल्द ही बड़े पर्दे पर रिलीज किया जाएगा। 2014 में सलमान खान की किक फिल्म आई थी तो इसने बॉक्स ऑफिस पर धमाल कर दिया था और इस फिल्म के एक दिन में 200 करोड़ से ज़्यादा पैसे कमा लिए थे। साजिद नादियावाला ने इस फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम शुरू कर दिया है जो कि लगभग मुकम्मल होने वाला है और फिर इस फिल्म की शूटिंग शुरू करनी है। लेकिन अभी फ़िलहाल सलमान भाई फ्री नहीं थे। पहले किसी का भाई और किसी की जान इस फिल्म की शूटिंग में मसरूफ थे, साथ ही फिर बाद में वो टाइगर 3 की शूटिंग में मसरूफ हो गए। टाइगर 3 फिल्म के बाद तो सब लोग जानते ही हैं कि ये फिल्म कितनी ज़्यादा सुपर डुपर एक्शन से भरपूर फिल्म है और टाइगर की पिछली फिल्मों से बड़ी होने वाली है, यानी अब डबल एक्शन। इसलिए सलमान भाई के पास टाइम नहीं है, इस फिल्म की शूटिंग में मसरूफ़ हैं और अभी भी इसकी शूटिंग का काम जारी है। तो दोस्तों, इस फिल्म के मुकम्मल होने के बाद आप लोगों को किक 2 देखने को मिलेगी, लेकिन वो भी अभी जल्द नहीं, क्योंकि किक फिल्म में भी ज़बरदस्त एक्शन है और अब किक 2 में एक्शन तो डबल होने वाला है। तो इस वजह से ये फिल्म फ़ौरन देखने को नहीं मिलेगी, बल्कि फिल्म मेकर्स और इस फिल्म की डायरेक्टर के मुताबिक ये फिल्म 2025 के लास्ट में ही देखने को मिलेगी या फिर 2026 के स्टार्ट में देखने को मिल सकती है। और फिल्म मेकर की तरफ से इस फिल्म की कास्ट के मुताबिक कहा गया है कि इस फिल्म की कास्ट में कोई तब्दीली नहीं होगी, यानी सलमान खान, जैकलीन और रणदीप हुड्डा ही इस बार भी देखने को मिलेंगे। लेकिन कुछ नए चेहरे भी इस फिल्म में देखने को मिल सकते हैं, जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी। और इस फिल्म की कहानी भी किक के पार्ट 1 से स्टार्ट होगी, यानी इसी कहानी को आगे बढ़ाया जाएगा। अगर इस फिल्म के बजट की बात की जाए तो इस फिल्म को दोस्तों 500 करोड़ के बड़े बजट से तैयार किया जाएगा, जो कि बहुत बड़ा बजट है। इस बजट से भी दोस्तों आप इस फिल्म के ज़बरदस्त एक्शन का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इस फिल्म में एक और अहम बात जो सुनने में आई है वो ये है कि अब की बार इस फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ साथ साउथ फिल्मों के सुपरस्टार भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन विलन के रोल में। तो दोस्तों, आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।